गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। आशीष राय कौशिक ने मनाया योगा डे और जल योगा। गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद तहसील के महरौर गांव निवासी आशीष राय कौशिक है, बचपन से ही योग करते हैं। स्विमिंग में भी एक्सपर्ट हैं। आशीष राय कौशिक विगत 23 सालों से पानी में योगाभ्यास कर रहे हैं। इनका कहना है कि करीब 10 वर्ष पहले अयोध्या के एक संत से मुलाकात हुई जो पोखरे में शवासन मुद्रा में घंटों लेते रहते थे। उनसे इसके बारे में पूछा तो आशीष को जल में किए जाने वाले योग क्रिया की जानकारी मिली। आशीष का कहना है कि यह कोई जादू टोना और चमत्कार नहीं है। योग को हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही महत्व देते रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी योगाभ्यास करके इस महामारी पर विजय पाया जा सकता है। योग का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को खासे तनाव देखा जा रहा है। तनाव से अवसाद ग्रस्त लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए योग एक कारगर तरीका है। आशीष ने लोगों किया कि प्रतिदिन योग करने का संकल्प सभी लोग ले। योग का अभ्यास हो जाने के बाद एक अलग अनुभूति होगी जिसको केवल करने वाला महसूस कर सकता है और आनंद ले सकता है। इस आनंद को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। यह एक विद्या है जो लगातार प्रयास के बाद इसे आसानी से किया जा सकता है। जो लोग तैरना जानते वे ऐसे आसन पानी में कर सकते हैं। पानी नाक के नीचे रहे, यह ध्यान रहे, 90 डिग्री में खड़े होकर ऐसा हो सकता है। बताया कि योग भगाए रोग, यह बात बिल्कुल सही है। आज के समय में लोगों की दिनचर्या इतनी अनियमित है कि हर कोई किसी न किसी बीमारी से घिरा हुआ है। इससे शरीर में लचीलापन आता है और पानी में रहने से शरीर के रोम कूप खुल जाते हैं, जिससे त्वचा में चमक आ जाती है और शरीर के सभी अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। पानी में योग करने की न कोई उम्र है और न ही कोई साइड इफेक्ट। तैराकी और जल योग न सिर्फ शरीर को हृष्ट पुष्ट करता है बल्कि मन को भी तरोताजा रखता है। कल विश्व योगा दिवस है और इस पे मैं आप सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग एक संकल्प लें कि डेली मैं दूसरों के लिए काम करता हूं, अपने शरीर के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, अपने मन के लिए, अपने विचार को शुद्ध रखने के लिए कम से कम आधा घंटा का समय योग पे निकालेंगे। और मैं जो ये जल योग करता हूं, या जल क्रीड़ा तो मैं कक्षा 6 में था, बाल्यकाल में, तभी से करता हूं। लेकिन जो जल योग सीखा मैं इसी खाकी बाबा के पोखरे में, एक अयोध्या के संत से हमारी मुलाकात हुई और वह पोखरे में लेटे हुए थे। मैं गया, उनका प्रणाम किया और पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि देखो बेटा, यह करना तो मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। मुझे वो बताए और मैं इसको शुरू किया प्रक्रिया को। नित्य प्रतिदिन 1 घंटा मैं इसका प्रयत्न करता था, पानी में लेट जाने का, पद्मासन मुद्रा में लेट जाने का, शवासन मुद्रा में लेट जाने का, पानी में दौड़ने का। और धीरे 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 मैं इस प्रक्रिया को 1 साल चलाया। 5 मिनट 10 मिनट करते करते मैं करीब करीब 1 घंटा से 1.5 घंटा पानी में चाहूं तो लगातार सो जाता हूं और पानी में दौड़ जाता हूं, पानी में तैरता हूं आराम से। ध्यान मुद्रा में मैं सो जाता हूं आधा आधा घंटा, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है और न ही जरूरत होती है आराम करने की। इस क्रिया को हम न कोई जादू कहेंगे, न यह कोई चमत्कार है, यह मात्र एक प्रयास है और यह प्रयास योग है। हम अपने सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से जोड़ देंगे और जोड़ के पानी में लेट कर ध्यान लगा लेंगे तो हमारे शरीर का, हमको लगता है कि शरीर का भार एकदम हल्का हो जाता है और किसी चीज की न हमें जरूरत महसूस होती है, न हमें कोई कठिनाई होती है, न थकान होती है। और इस योग को करने के बाद हमको मतलब पूरा दिन दिमाग फ्रेश रहता है और शुद्ध रहता है और पूरा दिन हम काम करते हैं, थकते नहीं हैं। मैं आशीष कुमार राय कौशिक कासवां तहसील के एक छोटे से गांव महरौर का रहने वाला हूं। आप सभी लोगों से पुनः अपील करूंगा कि आप लोग योग करना शुरू करें। धन्यवाद।